हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12 साइड स्टोरीज की चौथी स्टोरी, जिसका नाम है स्पेशल एक्सपीरियंस। उसका तीसरा भाग, इसका दूसरा भाग, हम इसके दो भाग हम पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, पहला और दूसरा। ये तीसरा भाग है, तो इसका व्याख्यान हमें यहाँ से करना है। और इसके पहले घटना ये घटी थी कि एक महिला नरेटर है, उसके जो पति हैं उनको अंग्रेजी हुकूमत ने 1 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। उनको सज़ा हो गई थी क्योंकि उन्होंने आंदोलनकारियों को शरबत और पान खिलाया था। इसके बाद में जो नरेटर हैं, जो महिला नरेटर हैं, इन्होंने अपने पिता से और अपने ससुर से मदद मांगी थी उनके पति के गिरफ्तार हो जाने के बाद में, लेकिन उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। और इसके बाद में क्या घटना घटती है, क्या होता है इसके बाद में, वो जो नरेटर हमें आगे बताती हैं। अब वो घर में अकेली हैं। टिल दिस हैपेंड आई वॉज कॉट अप इन माई ओन लिटिल वर्ल्ड ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस। जब तक ये घटना नहीं घटी थी, आई वॉज कॉट अप इन माई ओन लिटिल वर्ल्ड ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस, तो मैं अपने घरेलू जो घर घर से संबंधित जो कार्य होते हैं और अपनी घरेलू छोटी दुनिया में व्यस्त थी। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, तब तक ये घटना नहीं घटी थी कि उनके पति पकड़े नहीं गए थे और इनके साथ ऐसी घटना नहीं घटी थी, तब तक वो अपने घरेलू गृह कार्यों में ही व्यस्त रहा करती थी और उनकी यही छोटी सी दुनिया थी। बट नाउ दिस न्यू प्रॉब्लम क्रॉप्ड अप, लेकिन अब ये नई समस्या खड़ी हो गई थी उनके सामने। विदाउट हेल्प और सपोर्ट, बिना कोई मदद के, बिना कोई सहारे के, विदाउट नो मेल इन दी हाउस, और घर में कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं था। हाउ वुड आई मैनेज, मैं ये सब कैसे संभाल पाती। बट वेयर कुड आई पॉसिबली गो। और दूसरी बात ये भी थी कि मैं कहाँ जा सकती थी, मैं कहाँ जाती मदद के लिए, किससे मदद की गुहार करती। इफ़ आई कुड हैव टेकन ए जॉब, हाँ यदि मैं नौकरी कर सकती थी, एक रास्ता था कि मैं नौकरी कोई ना कोई छोटा मोटा काम कर सकती थी। बट द लेटर्स ऑफ फेमिनिटी सेकल्स सेकल्ड माई फीट, लेकिन जो अस्तित्व, जो नारीत्व होता है, इस शब्द ने मेरे पैरों में जंजीरें डाल दी थी, मेरे पैरों में बेड़ियाँ डाल दी थी। फेमिनिटी मतलब स्त्रीत्व, नारीत्व, क्योंकि नारी होने की वजह से उनको जो है डर लग रहा था कि वो बाहर बाहर जाएंगी, तो इस नारीत्व की वजह से उन्हें जो है डर महसूस हो रहा था, और इसी डर ने उनके पाँव में बेड़ियाँ डाल दी थी। ऑल आई कुड डू वाज लुक प्रटी एंड स्वीट, और मैं कर भी क्या सकती थी सिवाय इसके कि सुंदर लगूं और मधुर मनोहर लगूं या सजूं संवरूं, और मेरे बस का कुछ काम नहीं था। आई वॉज अ वुमेन, क्योंकि मैं एक महिला थी, दैट्स ऑल, और बस यही सब कुछ था। इट डिड नॉट मैटर इफ आई डाइड इन दी प्रोसेस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इस कार्यशैली में, इस प्रक्रिया में मैं मर जाऊं, बट माई फेमिनिटी हैड टू बी प्रिजर्व्ड एट ऑल कॉस्ट, लेकिन मेरा जो नारीत्व है, जो स्त्री धर्म है, उसको किसी भी कीमत पर मुझे बचाना था, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे अपनी जान ही क्यों ना मुझे देनी पड़े। ये नैरेटर बताती हैं। नॉट वन फ्लिकर ऑफ ए स्कैंडलस आईब्रो कुड बी रेज्ड अगेंस्ट दैट ओनो, मुझे इस बात का डर था कि एक भी गंदी नज़र या गंदी
कोई भी दुर्भावना या कोई भी गंदी बात ना उठ जाए मेरे खिलाफ। इस बात को सोच करके मैं बहुत डरी हुई थी। ओ नो, हे भगवान, ऐसा ना हो, अरे नहीं ऐसा ना हो। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो नरेटर हैं वो कह रहे थे, हर तरीके से मैं अकेली पड़ गई थी और चारों तरफ अंधकार था। उनके पिताजी ने और उनके ससुर जी ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया था, और उनके जो हस्बैंड थे, जो पतिदेव थे, उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। फिर भी जो उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा और वो हर तरह से अपनी स्थिति की रक्षा, स्थित धर्म की रक्षा करने के लिए तत्पर थी। आई हर्ड फुट स्टेप्स, तभी होता ये है कि वो कहती है, नरेटर कहती है, मैंने कुछ पैरों की, कदमों की आवाज़ सुनी। आई लुक डाउन, मैंने नीचे देखा, देयर आर टू मैन स्टैंडिंग बिलो, दो व्यक्ति नीचे खड़े थे। आई फेल्ट लाइक आस्किंग, मैंने नीचे देखा लाइक आस्किंग, मैंने चाहा कि मैं उनसे कुछ पूछूं, हु आर यू, कि आप लोग कौन हैं, व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए, तुम लोग क्या चाहते हो। एंड देन इट अकर्ड टू मी, लेकिन मुझे तभी लगा, यह समझ में आया, व्हाट राइट है भाई, कि मुझे क्या अधिकार है किसी को पूछने का। इट इज़ ए पब्लिक थॉरोफेयर, ये तो आम रास्ता है। एनीवन हैज़ द राइट टू स्टैंड देयर, यहाँ कोई भी खड़ा हो सकता है, मुझे क्या पड़ी है। आई हैड ए सडन प्रीमोनिशन ऑफ फियर विच रिफ्यूज टू गो, तभी जब मैंने विचार किया तो मेरे अंदर भय की एक आशंका घर कर गई, इट रैंकल्ड इन माई हार्ट लाइक ए परसिस्टेंट एम्बर, यह मेरे हृदय में एक चिंगारी की तरह धधक रही थी, ऐसा लग रहा था कि मेरे हृदय में कोई चिंगारी समाहित हो गई हो। इस तरह से डर मेरे हृदय में जो है बैठ गया था। क्या हुआ था, माय बॉडी सीम टू बी बर्निंग, ऐसा लग रहा था कि मेरा सारा शरीर जल रहा हो। आई बोल्टेड द डोर फ्रॉम द इनसाइड, मैंने अपने दरवाजे में अंदर से कुंडी लगा ली। देयर वॉज ए लार्ज नाइफ इन द हाउस, और मेरे घर में एक बड़ी चाकू थी। दिस आई प्लेस्ड अंडर माई पिलो, इसको मैंने अपनी तकिया के नीचे रख लिया। बट द फियर केप्ट हॉन्टिंग मी, लेकिन डर फिर भी मुझे डराता रहा, भय फिर भी मुझे सताता रहा। एज इफ पैराडिंग अराउंड द बेड, ऐसा लग रहा था कि यह डर मुझे चारों ओर से घेरे हुए है, बुरी तरह से घेरे हुए है। तभी क्या होता है, ए वॉइस कॉल्ड आईसी वर्ड, तभी एक आवाज़ आती है, आईसी वर्ड, मैं कांप गई, माई हेयर स्टूड ऑन एंड, मेरे रोए खड़े हो गए। आई प्लेस्ड वन ईयर टू द डोर, मैंने दरवाजे में अपना कान लगाया। समवन वॉज रैटलिंग द बोल्ट, मैंने सुना कि कोई जंजीर को, कुंडी को बार बार खटखटा रहा है। माई हार्ट स्टार्टेड फाउंडिंग, मेरा जो हृदय था, मेरा हृदय तेजी से धड़कने लगा। दोस्त वो दो लोग, व्हाट आर दे अप टू, वो यहाँ क्यों आए हैं, वो यहाँ क्या कर रहे हैं। व्हाट डू दे वांट फ्रॉम मी, वो मुझसे क्या चाहते हैं। इट वॉज आल्सो एरी, यह दृश्य बड़ा भयानक था, यह समय बड़ा भयानक था, यह दशा बहुत अजीब थी, अद्भुत थी, भयानक थी। आई डिड नॉट ओपन द डोर, मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। इंस्टीड आई शाउटेड फ्रॉम द विंडो, इसके बजाय मैं खिड़की से चिल्लाई। हु इज़ रैटलिंग एट द डोर, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है।
दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। ये जो है कवित्री, ये जो है इस जो नरेटर हैं वो अपने दरवाजे को ना खोल करके खिड़की पर जाती हैं और वहीं से चिल्ला करके पूछती हैं। द रिप्लाई कामड मी, लेकिन उत्तर आया। उस उत्तर की आवाज़ को सुन करके मैं शांत हो गई। माई फियर वनिज्ड, मेरा जो डर था वो समाप्त हो गया। इट वॉज बाबू ज्ञानचंद, वो बाबू ज्ञानचंद थे माई हस्बैंड्स बेस्ट फ्रेंड, मेरे पति के परम मित्र। आई वेंट डाउन एंड ओपन द डोर, मैं नीचे आई और मैंने दरवाज़ा खोला। देयर वॉज ए लेडी विथ हिम, उनके साथ एक महिला भी थी। हिज वाइफ, जो उनकी पत्नी थी, शी वॉज ओल्डर टू मी, वह मुझसे उम्र में बड़ी थी। दिस वॉज हर फर्स्ट विजिट टू माई हाउस, वो मेरे घर में पहली बार आई थी। आई टच्ड हर फीट, मैंने उनके पैर छुए। इट वॉज मैन हु मेड फ्रेंड्स इन अवर वे ऑफ लाइफ, ये आदमी होते हैं जो दैनिक जीवन में मित्र बना लिया करते हैं। वुमेन आजर्ड द फॉर्मेलिटीज, महिलाएं जो होती हैं, ये जो केवल पुरुष ही होते हैं जो जल्दी से दैनिक जीवन में अपने मित्र बना लिया करते हैं, लेकिन महिलाएं केवल औपचारिकताएं ही अदा करती हैं। महिलाएं केवल औपचारिकताएं ही करती हैं। इसके बजाय, इसके दूसरी तरफ पुरुष जो होते हैं वो अपने दैनिक जीवन में मित्र जल्दी बना लेते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का थर्ड पार्ट। इसका एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय मिल जाए। बने रहिए हमारे साथ और मैं लगातार ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।